साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। देश के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां, देश के इतिहास में 75 साल में जो अब तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है और उस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिया है। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार विवादों को बढ़ावा दिया जा रहा था, वो सारे विवाद अब एक झटके में ही खत्म होने वाले हैं और ये कितनी बड़ी खबर है। पहले मैं पॉइंटर्स के जरिए आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो कदम है ना, ये लेफ्ट लिबरल गैंग की साजिश की सबसे बड़ी काट है। ये मिशन 2024 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ये भारतीय जनता पार्टी का आखिरी सबसे बड़ा वादा है। ये मिशन 5 अगस्त का तीसरा सबसे बड़ा तोहफा है। ये मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट को रिटर्न गिफ्ट है, जो वो पिछले कई दशकों से कई सरकारों से कहता आ रहा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार का ये रिटर्न गिफ्ट है और ये कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार ही करने जा रही है। अब मैं आपको सीधे खबर पर लेकर आता हूँ कि ये कितनी बड़ी खबर है। आप खबर देख लीजिए, ये कल देर रात की खबर है और ये PIB की खबर दिखा रहा हूँ। जो सूचना है ये PIB की है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए सार्वजनिक रूप से लोगों से और धार्मिक संगठनों से राय मांगी गई है। अब आपको लगेगा कि ये तो कई सारी चीज़ें, कई खबरें आपको देखने को मिली, ये क्यों इतनी बड़ी खबर है वो मैं आपको बताता हूँ। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जो 22वां लॉ कमीशन है, उसने इच्छुक लोगों से 30 दिनों में अपने विचार वेबसाइट या ईमेल पर देने के लिए कहा है। 30 दिन, इसको पकड़ कर रखिए। इसको नीचे मैं डिकोड करूंगा, कितनी बड़ी खबर है ये। इसमें आगे ये कहा गया है कि जो लोग रुचि रखते हैं, इच्छुक हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं और इसके लिए सिर्फ 30 दिन का समय है। 30 दिन भी कम नहीं होता, बहुत अधिक समय है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये जो प्रक्रिया शुरू की गई है ना, वो क्यों शुरू की गई है, क्योंकि कानून एवं न्याय मंत्रालय ने एक पत्र भेजा जिसके बाद ये सक्रियता बढ़ी है और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ जो विषय है उस पर विचार विमर्श किया गया। अब इससे पहले 21वें लॉ कमीशन ने भी इस पर विचार किया था, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के मन में हो ये तो पहले भी हुआ है। तो 21वें लॉ कमीशन ने इस पर अध्ययन किया और उसने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें ये कहा गया कि इस पर और चर्चा की ज़रूरत है। लेकिन अब जो विधि आयोग है उसने जो बयान जारी किया है उसमें कहा है, मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, उक्त परामर्श पत्र को जारी करने की तिथि से 3 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद विषय की प्रासंगिकता एवं महत्व और इस पर विभिन्न अदालती आदेश को ध्यान में रखते हुए 22वें विधि आयोग ने मुद्दे पर नए सिरे से चर्चा करने का फैसला किया है। और एक बात और आपको बताना ज़रूरी है दोस्तों कि 22वें विधि आयोग को हाल ही में 3 साल का कार्य विस्तार दिया गया है, एक्सटेंशन दिया गया है। अब मैं आपको कुछ बातें ये भी बताना ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, ये भी आप समझ लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानून होना, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं होता, सबके लिए एक समान कानून। अब ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे आखिरी और बड़ा चुनावी मुद्दा है जो पूरा होना बचा है। एक मुद्दा राम मंदिर हो गया, आर्टिकल 370 को ख़त्म करना वो भी हो गया और यही बचा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन ये भी जान लीजिए
ये जो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है ना, उसकी ये काट भी है। अब ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको टू विंडो में दो खबर दिखाता हूँ, आप दोनों खबरों को बड़े ध्यान से देख लीजिए। एक तरफ कांग्रेस कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का वादा करती है और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा पढ़ती है और मंदिर बनाने का वादा करती है। यानी कांग्रेस कर क्या रही है, भारतीय जनता पार्टी को हराने और जनता को कंफ्यूज करने के लिए या फिर जनता में एक स्पष्ट संदेश देने के लिए दो तरह का गेम खेल रही है। मुस्लिमों को खुश करने के लिए और तुष्टिकरण के लिए बजरंग दल पर बैन की बात कहती है, उसको PFI से जोड़ देती है ताकि मुस्लिम खुश हो जाएं, उसके साथ इकट्ठा हो जाएं, और हो भी गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू वोटरों को कंफ्यूज करने के लिए हनुमान चालीसा का भी वो शुरू कर दिया और उसके अलावा ढेर सारा लालच। और यही तो गणित है ना, जिसके जरिए बाकी लोग भी चुनाव जीतते रहे। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूँ, ये समझना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। आप देखिए, ये भी टू विंडो में दो खबर आपको दिखा रहा हूँ। एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका में जाकर मुस्लिम लीग को सेक्युलर बता रहे हैं, मुस्लिमों की तुलना दलितों से कर रहे हैं, ये बता रहे हैं मुस्लिमों का नाम लेकर अमेरिका में क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, मध्य प्रदेश में उनकी बहन हार्डकोर हिंदुत्व का खेल खेल रही है, 100 से अधिक पंडित पूजा करवा रहे हैं। डबल गेम मतलब मुस्लिमों को इकट्ठा कर लो और हिंदुओं में किसी एक जाति को पकड़ लो। अब तो एक नया वर्ग ही क्रिएट हो गया, लालच वाला, जिसको फ्री की रेवड़ी चाहिए। अब फ्री की रेवड़ी पर हो सकता है कि विवाद हो या मतभेद हो, लेकिन मैं आपको इस अंक गणित को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कांग्रेस को बुरी तरह से फंसाने वाली है। अब डबल गेम नहीं चलेगा, या तो इधर या फिर उधर। अब ये नहीं हो सकता कि आप इसको भी फंसा लें, उसको भी फंसा लें। और जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दोस्तों एक और खेल खेला जा रहा है। ये खेल किस प्रकार का है, ये खेल उसी प्रकार का है जैसा आर्टिकल 370 को लेकर किया गया था। आप याद कीजिए, जब आर्टिकल 370 को हटाने की बात आती थी तो लोग क्या कहते थे कि यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी, लोग नहीं बचेंगे, संविधान नहीं बचेगा, तिरंगा को कांधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। आपको एक बयान सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं हो। वैसा बयान तो आपको नहीं मिलेगा, खास करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ओवैसी का बयान सुनाता हूँ। नए नए तर्क गूथे जा रहे हैं, क्या क्या कहा जा रहा है, मैं आपको दो तीन तर्क सुनाता हूँ। देखिए क्या कैसे विरोध किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, सुनिए। दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा। एक और तर्क सुनिए, इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। और एक जगह तो वो कानूनी दांव पेच की बात करते हैं, ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर ही नहीं सकता और संविधान का हवाला भी देते हैं, आप सुनिए ना। हम केंद्र सरकार को बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत। अब चूंकि ओवैसी साहब वकील हैं और कानून के हिसाब से बता रहे हैं, तो कानून के नज़रिए से, संविधान के नज़रिए से आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। और सीधा मैं आपको संविधान ही दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये संविधान है, संविधान की प्रति है, बड़े ध्यान से देख लीजिए। और इसमें आपको विशेष रूप से आर्टिकल 44 को देखना चाहिए, अनुच्छेद 44 को देखिए। ये जो आर्टिकल है ना, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, हेडर पढ़िए क्या लिखा है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर इसी आर्टिकल में आगे क्या लिखा है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यानी राज्यों को, देश को
सरकारों को ये कहा गया है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास कीजिए। अब समान नागरिक संहिता क्या है, ये भी एक लाइन में आपको समझा देता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। इसमें शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। अब ओवैसी जी से कोई पूछे कि क्या संविधान के अंदर ही संविधान के विरुद्ध बातें लिख दी गई है, क्या ये संभव है कि संविधान में ही संविधान के खिलाफ बातें लिखी गई होगी? नहीं है। और उनको कुछ चीज़ें भी दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, गोवा में पहले से ही सिविल कोड लागू है, इसीलिए उत्तराखंड ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर ली। यही काम भाजपा ने गुजरात में भी किया, वादा किया, और देखिए वहाँ प्रचंड जीत मिली है। यहाँ एक चीज़ की और चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों कि भारत में क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लिए समान है। यानी कोई क्राइम होता है, चोरी, डकैती या कोई भी क्राइम, लूट की वारदात हो, इसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून, एक समान धाराएं और एक ही सज़ा लागू होती है, अलग नहीं होती है। अब सवाल ये भी उठता है ना कि जो कट्टरपंथी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक धर्म विशेष के नज़रिए से, चश्मे से देखते हैं, फिर वो क्रिमिनल मामले में शरिया लॉ की वकालत क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं मांग करते हैं? क्योंकि शरिया लॉ बहुत ही सख्त है। वहाँ आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ का कानून है, यही तो शरिया लॉ है ना। देखिए ना, कुछ कहानियाँ भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आई फॉर एन आई, ईरान में सजा दी गई, ये देखिए शरिया लॉ की ये दूसरी कहानी। और अफगानिस्तान में जब शरिया कानून लागू किया गया तो हर कोई डर गया, वहाँ पे भी लागू है, ये भी देख लीजिए, और ये क्राइम पर लागू होता है। अब मैं ओवैसी साहब और उन लोगों के लिए कुछ और जानकारी रखना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये खबर जो है ना कल देर शाम की है, लेकिन एक एक रिसर्च आपके लिए लेकर आया हूँ। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से, जो मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट को भी रिटर्न गिफ्ट है, क्यों कह रहा था, अब मैं वो बात आपको दिखा रहा हूँ। 1985 में शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़रूरत पर बल दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉमन सिविल कोड को राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में लागू किया जाना ज़रूरी है। कुछ ही हफ्ते के बाद एक केस आया, जॉर्डन वर्सेस एसएस चोपड़ा, 1985 की बात बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत को बताया, और कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा था, मैं पढ़कर कुछ पंक्तियाँ आपको बताता हूँ। टाइम हैज़ कम नाउ फॉर द इंटरवेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड फॉर ए यूनिफॉर्म कोड ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स एज एनवाइसेस्ड बाय आर्टिकल 44। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसकी ज़रूरत आ पड़ी है, अब बनाइए, नहीं बनाया गया। और जानते हैं इसके ठीक एक दशक के बाद एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसी मुद्दे को उठाया, और केस था सरला मुदगल प्रेसिडेंट कल्याणी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1995। इस केस में क्या हुआ था, कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है दोस्तों, कुछ बारीकियों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कोई भी आपको कुछ भी कह के चला जाए, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए ये बात बता रहा हूँ। ये जो 1995 का केस है, इस केस में ये हुआ था कि एक हिंदू व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए, वो भी बिना कानूनी प्रक्रिया के, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी पत्नी को छोड़ना था और दूसरी शादी कर ली। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत पर बल दिया था। एक बार फिर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत पर जोर दिया। इस बार ये केस था जॉन समथिंग लिखा एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए ये नाम तो बड़े कठिन है दोस्तों, इसमें क्या कहा था मैं कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाता हूँ।
इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन गिवन इफेक्ट टू पार्लियामेंट इज स्टिल टू स्टेप इन फॉर फ्रेमिंग इज कॉमन सिविल कोड इन द कंट्री. A common civil code will help the cause of national integration by removing the contradictions based on ideologies. अब आप सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हिस्सा है दोस्तों. इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एबीसी वर्सेस द स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2015 केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत की बात कही. इस बार ये मामला एक क्रिश्चियन बच्चे की गार्जियनशिप का था. फिर आगे बढ़िए, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये मुद्दा उठाया, और सिर्फ मुद्दा ही नहीं उठाया बल्कि सरकार के कामकाज पर निराशा भी जाहिर की. ये केस था जोस पॉलो वर्सेस मारिया लुइजा, अब तो नाम आप अपने हिसाब से देख लीजिए दोस्तों. इस मामले में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने जो कहा उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने क्या कहा मैं पढ़कर सुनाता हूं. वेयर इज द फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 44 इन पार्ट 4 डीलिंग विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैड होप्ड एंड एक्सपेक्टेड दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड throughout the territories of India till date. आगे बढ़िए, till date no action has been taken in this regard. तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की कहानी है, यानी मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को एक रिटर्न गिफ्ट भी देने वाले हैं. अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, अच्छा लगेगा सुन करके, नई संसद अपने पहले सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है. तो जाहिर है दोस्तों, बोहनी भी तो थोड़ा ऐतिहासिक होना चाहिए ना. इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से बेहतर और क्या हो सकता है. इसके अलावा एक और चीज याद रखिए, 5 अगस्त का दिन भारत में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुका है. एक बार के लिए नहीं, दो दो वजहों से. 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया. 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया. ऐसे में 5 अगस्त से बेहतर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए और क्या हो सकता है. अब देखिए ना, मीडिया, मैं तो देख रहा था मीडिया 2019-2020 के बाद 2021 में ही तैयारी कर रही थी कि मोदी जी इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लेकर आ जाएंगे. लेकिन मोदी जी तो जानते हैं ना, आप गच्चा दे देते हैं. और ये तो दूसरे कार्यकाल का आखिरी 5 अगस्त है, यानी मानकर चलिए 5 अगस्त को धमाल होने वाला है. और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि याद रखिए लॉ कमीशन ने 30 दिन का समय दिया है. यानी अगर 14 जुलाई को 30 दिन पूरे हो जाते हैं तो 5 अगस्त के लिए इसके बाद भी लॉ कमीशन या भारत सरकार के पास 22 दिन बल्कि बचते हैं. और संसद का मानसून सत्र जुलाई से अगस्त सितंबर तक चलता है, यानी नई संसद भवन के पहले सत्र में 5 अगस्त का इंतजार कीजिए. देश एक नया इतिहास रचने को तैयार है. तो कुल मिलाकर दोस्तों, आप वर्तमान हालात को देखिए, लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है, संविधान की दुहाई दी जा रही है. कांग्रेस समेत तमाम लेफ्ट लिबरल पार्टियां मोदी सरकार को इसलिए कोसती हैं कि संविधान खतरे में है. लेकिन सच्चाई ये है कि संविधान तब खतरे में था जब ये पार्टियां राज कर रही थी, क्योंकि संविधान की भावना के अनुरूप किसी ने काम नहीं किया. तुष्टिकरण के लिए, मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए कभी आर्टिकल 44 को लागू करने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई. लेकिन याद रखिए, मोदी सरकार सही नियत के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अब इस ओर कदम बढ़ा चुकी है. और यकीन मानिए, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी भारत के इतिहास में एक सुनहरा अक्षर लिखने को तैयार है. बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को
प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।